Chef! कितनी बार कहा है मैंने, अकेले बाहर मत जाया कर। यदि कुछ हो जाता तुझे तो क्या करती मैं, कैसे जीती? जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है माँ? किसी के भाव से सामने वाले का स्वभाव नहीं बदलता पुत्र। हिंसा, आक्रमण, भक्षण उस बाघिन का स्वभाव था। यदि वो तुझ पर आक्रमण कर देती तो क्या करती मैं? माँ, प्रेम के सामने हिंसा की जीत कभी नहीं हो सकती। जब से तू बोलना सीखा है ना, बहुत बोलने लगा है। चल, ये स्थान सुरक्षित नहीं है, घर चलते हैं। और ये बाघिन की छाल क्यों धारण कर लिया तूने? माँ, इस बाघिन की आंखों में पीड़ा थी। उसकी पीड़ा उसकी थी तो इससे तेरा क्या संबंध? माँ, आपने ही तो सिखाया है जीव से जीव के संबंध का दर्शन, तभी तो समझ पाया कि वह प्रेम चाहती है। तो इसी प्रेम के लिए? हाँ माँ, उसके इसी अभाव को दूर करने के लिए मैंने इसे धारण किया। इसका अर्थ तू इसको नहीं त्याग करेगा? यदि त्याग कर दिया तो संसार से उपेक्षित पीड़ित उस बाघिन की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इसको धारण करने की मुझे अनुमति दे दीजिए माँ। परंतु तू एक अकेला है संसार को नहीं बदल सकता शिव। माँ, हम सब में बीज एक ही होता है। इसके विचारों के वेग को कैसे रोकूं? एक अभाव अभी भी है शिव के जीवन में, सांसारिक ज्ञान का अभाव, और इसी ज्ञान को प्रदान करके आपको इन्हें पूर्ण बनाना है। इसी कारण शिव एक बालक के रूप में आपके पास आए हैं देवी। परंतु आज की इस घटना के उपरांत मेरा दायित्व और बड़ा हो गया है ऋषि पर। बाल शिव को सांसारिकता का ज्ञान कराने के साथ साथ माँ होने के नाते अब मुझे प्रतिपल इनकी सुरक्षा का भी दायित्व निभाना होगा। माँ, चल, संध्या होने से पहले इस निर्जन स्थान से निकलकर हमें घर पहुंचना होगा। अंधेरे में डर लग रहा है।
मां की याद आ रही है। आती होगी तुम्हारी मां। असुरराज अंधक की जय हो, अंधकार का विकास हो। महाशिव कुमार ने आई थी, स्वयं मारी गई। इसका मरना तो शुभ है। ये मरकर भी संदेश देकर गई है कि वो उबाल शेफ शक्ति ही नहीं, परंतु उसे तो विस्मृति हुई है। उसे विस्मृति हुई है, वो भूल चुका है कि वो शिव है, क्योंकि पशुओं का पालक कहा जाने वाला पशुपतिनाथ एक जीव, एक घायल बाघिन की हत्या करेगा। नहीं नहीं नहीं, दंडपाणी, वो शिव नहीं हो सकता। दंडपाणी असुरराज, उस बालक के पास शक्ति तो है, परंतु ये कैसे पता लगेगा कि ये वही शिव है जिसे उसके भक्त महादेव कह के बुलाते हैं? अंधेरे को नापने के लिए तब तक तीर चलाते रहो जब तक वो अपने सही निशाने पर ना लग जाए। उसे उकसाना होगा, समझना होगा, पूरे संसार के सामने लाना पड़ेगा। समझ में आया दंडपाणी? और हमने सुना है दंडपाणी कि उस मोर केंद्र ने तुम्हें गुरुकुल का उप कुलपति बना दिया। उप कुलपति गुरुकुल का? अब सुनो दंडपाणी, इस पद का लाभ उठाओ। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर को सक्रिय करो। गुरुकुल को संस्कार विहीन, अनुशासनहीन और छात्रों को चरित्रहीन कर दो। परंतु असुरराज, इससे तो लोग मेरे शत्रु हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं कि वो बाल शेर तुमसे टकराए और तभी तो उसकी क्षमताओं के साथ साथ उसकी कमजोरियों का अध्ययन कर पाओगे तुम। दंडपाणी, ये सब करते समय इस बात का ध्यान रखना कि तुम अंधकार में रहना और प्रकाश में रखना उस मोर केंद्र को। अर्थात जीवा उसकी और वाणी तुम्हारी। विकास हो अंधकार का, विकास हो। वो बाघिन ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया ऋषि पर। तात्पर्य ये है कि वो शिव है, बाल शिव है, महादेव नहीं, जिनके अपार शक्ति के आगे तीनों लोकों के लोग शीश झुकाते हैं। वो मेरा बाल शिव है ऋषि पर, जिसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का स्मरण नहीं है। आप अक्षरशः सही कह रही हैं देवी अनुसुईया, परंतु बालक होते हुए भी उनकी शक्ति आंतरिक रूप से स्वतः जागृत है। उन्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है देवी अनुसुईया। एक मां के हृदय की पीड़ा को आप नहीं समझ पाएंगे ऋषिवर। कोई तो है जो मेरे पुत्र को हानि पहुंचाना चाहता है। मैं निस्सहाय और मौन नहीं रह सकती ऋषिवर। देखिए, एक माता के रूप में जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके उत्तरदायित्व हैं, आप अवश्य उन्हें पूरा कीजिए। बस एक बात का स्मरण कीजिए आप,
जब स्वयं शिव ने अपने बाल शिव रूप को उस दिन देवी पार्वती के समक्ष प्रकट नहीं किया था, तो क्या यह उनकी लीला नहीं थी? कोई भी आसुरी शक्ति चाहकर भी इन त्रिदेवों का हित नहीं कर सकती। देवी, जब भी अपने पुत्रों की ओर देखती हूं तो अनुभव होता है एक और विधाता ने मुझे शक्तिशाली त्रिदेवों की माता बनाकर सौभाग्यशाली बना दिया है, और दूसरी ओर उन्हीं पुत्रों को मानवीय संभावना से बांध दिया है। ईश्वर की इस रहस्यमयी विडंबना से मां का मन सदा ही संघर्ष करता रहेगा। ऋषिवर, अब ईश्वर भी तो वही है देवी, और ये रहस्यमयी विडंबना भी उन्हीं की है। हम और आप तो इस नई लीला के निमित्त मात्र हैं बस। देवी अनुसुया ने त्रिदेव को बालक बनाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। हम उस स्त्री को अवश्य कठोर दंड देंगे देवराजेंद्र। आप चिंता मत कीजिए देवराज, सती अनुसुईया को घुटनों पर लाने में ना हमसे कोई चूक होगी और ना ही कोई कमी। हाँ देवराज, देवी इंद्राणी सही कह रही हैं, पर मैंने तो पहले से ही नई शिक्षा नीति बनाकर तैयार कर ली है। नियमावली में भी मैंने बदलाव कर लिए हैं। यदि आप इसे लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सती अनुसुईया के जीवन में भूचाल आ जाएगा। ऐसी कौन सी नीति बना दी आपने? मेरी नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धन और ऋषियों के पुत्र कभी प्रगति नहीं कर सकेंगे। उनकी उन्नति का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वालों के लिए गंभीर दंड का भी प्रावधान रखा है मैंने। आपके हस्ताक्षर भर होने का विलंब है देवराज, फिर देखना कैसे पलक झपकते बाल त्रिदेव सती अनुसुईया के चंगुल से बाहर आते हैं। आपका आत्मविश्वास देखकर तो मेरा भी विश्वास प्रबल हो गया आचार्य। लीजिए, मैं देता हूं आपको आपकी नई शिक्षा नीति की अनुमति। वास्तव में आपने देवताओं के विनाश की अनुमति दी है देवराज। अब मैं आपके इस एक हस्ताक्षर से इस गुरुकुल को असुरों का गुरुकुल बना दूंगा। अब अंधकार का विकास होकर रहेगा। क्षेत्र मेरी माँ का है, उनके गुरुकुल का है। तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो।
आइए, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। शिव कहाँ है? माँ, वो सदा ही अकेले रहने जाता है। हाँ माता, शिव को खेलने में भी रुचि नहीं है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। देवी, वो कैलाशवासी शिव है। एकांत, ध्यान और मौन में रहने वाले, परंतु अभी वो एक पृथ्वीवासी गृहस्थ पुत्र है। उन्हें इन सब से भी परिचित होना है। ऋषिवर, आप देव और नारायण को भोजन कराइए, मैं स्वयं शिव का भोजन लेकर जाती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। देवी की आज्ञा कौन टाल सकता है? और आप शीघ्र भोजन लेकर जाइए, कहीं आपका शिव ध्यान लगाकर बैठ गया तो। हाँ माँ, भोजन कर ले। जब तक स्मरण ना दिलाया जाए, मेरे शिव को भूख का बोध ही नहीं होता है। अब नहीं महादेव, क्षुधा शांत हो गई। ऐसा बोध हो रहा है मानो आपके हाथों से भोजन ग्रहण करके चार जन्मों की क्षुधा शांत हो गई हो। क्षुधा शांत हुई शिव? माँ, क्षुधा तो आपके पहले ग्रास से ही शांत हो गई थी। परंतु तूने बताया क्यों नहीं? आप इतने प्रेम से खिला रही थी तो मैं कैसे मना करता माँ? जिस प्रेम के भाव से तुम मुझे खिला रही हो, उसका अनादर मैं कैसे कर दूं? जानती हूं आप किसी भी आवश्यकता से परे हैं महादेव। भूख, राग, द्वेष, ये सब आपके तत्व नहीं है, परंतु एक पुत्र के रूप में आपको इस अनुभव से परिचित कराना ही मेरे मातृत्व का दायित्व है। क्षुधा शांत हुई तो कहना होता है, बताना होता है, नहीं तो भोजन कराने वाले का अपमान होता है।
अवश्य माँ, मैं आपकी ये बात सदा स्मरण रखूंगा। प्रेम के लिए सीमाओं का ध्यान भी नहीं रखेंगे? प्रेम की कोई सीमा नहीं होती पार्वती। प्रेम सीमाओं के बंधन से परे है। मुक्त और अथाह प्रेम तो पृथक अस्तित्वों को एकात्मकता प्रदान करता है, जैसे तुम। इतना विलंब महादेव, मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव। ये मैंने आपके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की कि आप गृहस्थ जीवन की पूर्णता समझे, ममत्व का अनुभव करे। मैं अपनी इच्छा वापस लेती, मैं अपनी इच्छा वापस लेती हूँ महादेव। अब वापस लौट आइए, जिस रूप में है मुझे स्वीकार है, वापस लौट आइए। अपनी पार्वती के पास लौट आइए। मैं वचन देती हूँ, आपकी अर्धांगिनी, आपकी अर्धांगिनी आपको वचन देती है महादेव, कि आज के पश्चात मैं आपके समक्ष कोई इच्छा प्रकट नहीं करूंगी, केवल इस इच्छा के अतिरिक्त कि मैं आपसे विलग नहीं रह सकती। वापिस लौट आइए महादेव, वापिस लौट आइए। आपकी शक्ति आपके बिना अधूरी है महादेव, वापिस लौट आइए, वापिस लौट आइए, वापिस लौट आइए महादेव।